सबसे प्रधान है कि सीता सीतामही में ही प्रकट हुई है। आज भी यह शिला जो देखे जाते हैं, दर्शन होता है, यह अपूर्वी शिला है, 1599 में मिला हुआ मूर्ति है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी के जानकी स्थान मंदिर के पास और देख सकते हैं ये जानकी स्थान मंदिर है, जानकी मंदिर टेंपल है। तो ये लिखा गया है 1599 इस पे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और बगल में पूरा प्रसाद फूल माला सब कुछ मिलता है और दुर्गा पूजा के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। और ये लोग समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं बिहार के घूमने के लिए, स्पेशली टूरिस्ट के लिए बिहार टूर पर निकले हुए हैं। तो इससे पहले हम लोग गए थे पुनौरा धाम में और वो वाला वीडियो आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लेना। लेकिन ये अभी आपको मंदिर के प्रांगण में लेके चलते हैं अंदर में और आपको दिखाते हैं। फिर कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, यहाँ पे फूल वगैरह जो भी है वो सब मिल जाता है। तो दोस्तों, सीतामढ़ी में ये जो जानकी मंदिर है ये सीतामढ़ी का है और एक और मंदिर जानकी मंदिर है वो जनकपुर में है जो कि नेपाल में है। तो वहाँ पर तो अभी नहीं जा रहे हैं, अभी कुछ दिन के बाद वहाँ भी जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ये मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा दिखता है। दोस्तों, ये देख सकते हैं जानकी मंदिर है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मंदिर का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये कुछ कैंपस है इस जानकी मंदिर का जो कि आप देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल कोविड की वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है और ऐसे भी हम अभी मॉर्निंग में ही आ चुके हैं तो इसलिए भी काफ़ी कम भीड़ है और इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। और जब यहाँ पर सब कुछ चालू रहता है, जैसे अभी कोविड का कोई खतरा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होता है। यहाँ पर अदर स्टेट से भी लोग घूमने के लिए आते हैं क्योंकि ये बहुत ही पावन स्थल है। तो अभी हम यहाँ के एक पुजारी जी हैं, उसे हम आपको बात करवाते हैं और इस मंदिर के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ये मंदिर कब मतलब बना था और राजा जनक यहाँ पे कब आए थे, वो यहाँ के एक पुजारी बाबा हैं, उनसे हम आपको बात करवाते हैं। यहाँ जो है विदेश जनक यहाँ के राजा थे, ये सब खेतबाड़ी विदेश जनक का था। यहाँ पर रावण घड़ा लेकर गाड़ कर अपने यहाँ चला गया था। उस समय से 12 बरस तक हमारे यहाँ अकाल पड़ गया। अच्छा। जो पेड़ पौधा प्रकट होते थे वह सूख जाते थे, उदास हो जाते थे। एक समय ऐसा हुआ 11 बरस के बाद, जब 12वां बरस हुआ, आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं वही हल चलाएंगे, जल की बारिश होगा। तो यही विदेश जनक जो हैं यही हल चलाए थे और इन्हीं की कृपा से बीच में बच्चा प्रकट हुआ जिसका नाम सीता रखा गया। नारद जी अपने आकर वह बच्चा को देख कर उसका नाम सीता रखे और सीतामही उसी समय से इस यहाँ का नाम सीतामही पड़ा। यह सब पहले नेमी जी महाराज का राज था तो नेपाल बोले जाते थे, पहले सब नेपाल। उसके बाद में मैथिल जी महाराज आया तो मिथिला धाम बोले जाते थे।
उसके बाद विदेश जनक का है तो जनकपुर बोलते थे। जनकपुर में विदेश जनक का ही यही राज था, यह जो है खेतवाड़ी था और यही में घारा को गाड़ दिया गया था। वह घारा जब विदेश जनक ने हाथ चलाया, घारा फूटा, सीता प्रकट हो गए तो सीता मही नाम पड़ा। वैसा ही यहाँ जितने ऋषि मुनि लोग रहते थे, तपस्या करते थे, उस गांव का नाम पड़ते गया। जैसे पुनौरा पुंडरीक ऋषि का आश्रम था, पुनौरा नाम पड़ा। खरका खर्क ऋषि का आश्रम था तो खरका नाम पड़ा। महिलाएं चक ऋषि का आश्रम था, चक महला नाम पड़ा। कपिलदेव ऋषि का आश्रम था, कपरौल नाम पड़ा। और सिंगरी ऋषि का आश्रम था तो सिंगरहिया नाम पड़ा। जिस समय धनुष जग हुआ था, परशुराम जी आए थे, परशुरामपुर में टीके एक रात, तो परशुरामपुर नाम पड़ा। तो जहाँ जो कृति होता है उसका नाम ही अमर हो जाता है। और सबसे प्रधान है कि सीता सीता मही में ही प्रकट हुई है। आज भी यह शिला जो देखे जाते हैं, दर्शन होता है, यह आकृति शिला है, 1599 में मिला हुआ मूर्ति है। यह महात्मा श्री श्री 108 श्री हरि नारायण दास जी को मिला और उसी समय तपस्या स्थापना करके एक मरई झोपड़ी बनाकर उनको पूजा पाठ करने लगा और लोग आने जाने लगा, दर्शन ही पढ़ने लगा। उसके बाद सीतामढ़ी नाम पड़ा। न तो यहाँ का नाम सीतामढ़ी था, मही माने पृथ्वी होता है, और सीता का नाम पर इस नगर का नाम पड़ा। यह सीतामढ़ी धाम है। और कहीं शरीर बदल जाते हैं तो यहाँ जानकी जी का परिक्रमा कर ही उसको मुक्ति दिया जाता है। यह मिथिला पावन पवित्र है, मिथिला महान धाम है। यह सीता की माँ अमर है। जीवन पर जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक सीता की माँ अमर ही अमर है। यही पृथ्वी से सीता प्रकट हुई है। और जहाँ रहे वहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपाल है वही नरेशु। विदेश जनक ने इस बच्ची को प्रतिपाल और पोषण पालन किया था, विवाह शादी किया था, इसलिए विदेश जनक पिता हो गए और सुनैना माँ हो गए। जिस समय धनुष जग हुआ था उस समय भी देश विदेश को राजा लोग भूप लोग आए थे। 10,000 राजा एक बार धनुष को तोड़ने के चाहे, धनुष नहीं टूटा। साक्षात राम प्रभु वहाँ आए और सीता की माँ पृथ्वी देखा कि हमारे बच्ची योग ही पर आ गया, तो लोग वह धनुष को छोड़ दिया, वह धनुष अपने आप टूट गया। और उस समय सीता जी ने माला जय माला लेकर खड़ा हो गए कि हमारे पति देव यही राम है। रघुकुल का नीति था कि स्त्रियों के सामने झूठा नहीं जाता है। राम जी झूठते नहीं थे। राम जी का छोटे भाई लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता जी खड़े ही रह गए, ठाड़ ही रह गए, तो लक्ष्मण जी ने चरण पर गिरा राम जी का और आशीर्वाद लिया कि धनभाग है, हमारे भाई ने बहुत उत्तम काम किया। जब राम जी ने आशीर्वाद देने के समय में मुरी को झुकाए हैं, उसी समय सीता जी ने जयमाला डाल दिया, उसी समय सीता और राम का नाता जुटा है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पीछे, यही वो कुंड है। ये भी जानकी स्थान का ये कुंड है। जैसे पुनौरा धाम में कुंड था, वैसे ही यहाँ पर एक कुंड है जानकी मंदिर का। और अभी तो फिलहाल यहाँ बारिश का पानी जो है वो पूरा भरा हुआ है, नहीं तो आपको वहाँ तक लेके जाते हैं। और पिछली बार मैं गया था उस मंदिर के पास में, वहाँ तक गया था। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ आप लोग अगर सीतामढ़ी से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।